वडाला से शुरू हुआ मान्या सर्वे अब हिंदुस्तान में कुछ इस कदर पॉपुलर हो चुका है कि सबसे पहले तो दिल्ली गया था और दिल्ली जाकर प्रेसिडेंट से मिलकर आया और कुछ लेकर भी आया है। क्या लेकर आया है मान्या सर्वे हमारे लिए? जी, दिस इज़ माय नेशनल अवार्ड। हमने विकी डोनर के लिए जीता ये नेशनल अवार्ड। कैन यू जस्ट शो इट जॉन, व्हाट इज लाइक, हाउ डज दिस नेशनल अवार्ड लुक लाइक? फैंस आपके देखना चाहेंगे कैसे। यू कैन सी दिस इज अ फिल्म विकी डोनर फीचर एंड निर्माता चौहान अब्राहम एंटरटेनमेंट, या जे एंटरटेनमेंट, और यहाँ पे वो फिल्म के बारे में लिखा है। तो जॉन, काफ़ी रुचिकर बनाया आपने, और ये जो आपके पास इस वक्त है ये नेशनल अवार्ड, जब शुरू किया था आपने इस स्टारडम में या इस ग्लैम वर्ल्ड में एंटर करना, तब सोचा था ये इस तरह की शील्ड में अपने हाथ में लेकर किसी दिन बैठा होगा और मेरे ऑफिस में होगी ये शील्ड? नहीं, कभी लाइफ में सोचा नहीं था। और विकी डोनर जब हमने बनाई थी उस टाइम पे भी नहीं सोचा था कि यहाँ इस मुकाम तक पहुँचेगी वो फिल्म। लेकिन मुझे अभी भी याद है, पहले प्रोमोज हमने ऑफिस में ही देखे थे, रिमेंबर कुणाल? या या या। बट वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि जैसे तुमने पहले कहा कि पॉपुलर अवार्ड्स में तो हमेशा कुछ ना कुछ बायस रहता है, लेकिन व्हेन यू विन अ नेशनल अवार्ड वो एक हिंदुस्तानी होने का फीलिंग होता है। सो इट वाज ग्रेट गोइंग अप देयर, बहुत अच्छा लगा। तो अभी तो फिलहाल जो एक स्पर्म नया निकला है वो है एक्शन स्पर्म। तो जॉन अब्राहम जो है एक्शन अब्राहम बन गए, फिर अब मान्या सर्वे बन गए। ये शूट आउट एट वडाला कितना बड़ा होते जा रहा है, आप कितना बड़ा होते हुए इसको देखती हैं, क्या कामयाबी हुई है इसकी, बताइए। जी, कल मैं संजय गुप्ता के साथ था और हम लोग दोनों एक दूसरे को देख रहे थे एंड वी सेड वी कांट बिलीव इट, क्योंकि संजय गुप्ता के साथ भी हमेशा यही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फॉरेन फिल्म से वो कॉपी करते हैं। मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि मैं एक मॉडल था और यू नो मॉडल्स आर नॉट द बेस्ट एक्टर्स। लेकिन ये फिल्म के साथ मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि जो अप्रिसिएशन हम दोनों को मिला है मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने कभी सोचा नहीं था, इसके पहले इतना अप्रिसिएशन मुझे सिर्फ विकी डोनर के लिए मिला था एज अ प्रोड्यूसर, उसके बाद और ज़्यादा मुझे शूट आउट एट वडाला के लिए मिल रहा है एज एन एक्टर, और लोग परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही एनकरेजिंग साइन है, अच्छी बात है। और कई ऐसे भी हमारे ट्रेड वाले लोग हैं बेचारे जो मुझे मिलकर बोलते हैं शूट आउट तो कुछ अलग ही थी, और उसके बाद बोलते हैं कि लेकिन जिंदा भी अच्छी थी, और टैक्सी नौ दो ग्यारह भी अच्छी थी, और नो स्मोकिंग में तो तुम बहुत अच्छे थे, और जिसमें भी अच्छे थे तुम। तो सडनली, और न्यूयॉर्क में तो अरे वाह तुम छा गए। तो मैंने कहा कि भाई ये पहले क्यों नहीं कहा मुझे, अभी कैसे आ जाए। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन। जो एक तरह का नया राइस आपका हो चुका है, बहुत ही मतलब जो आपके कंटेम्परेरीज होंगे वो सोच रहे होंगे कि जॉन अब्राहम जो है अब ये इतना आगे निकल गया, हमें उनसे आगे निकलना है, उनके पास आना है, इस बात को लेकर खुशी होती है? पहली बात ये, इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहूँगा आपसे। दूसरी बात ये जानना चाहूँगा कि एक कैटेगरी में आप उस कैटेगरी में जहाँ पर स्टार्स जो हैं अपनी रिलीज डेट या अपना फेस्टिवल पीरियड डिसाइड कर सकता है कि मैं ईद में आऊँगा या मैं दिवाली में आऊँगा, जैसे बाकी स्टार्स करते हैं, या मैं क्रिसमस में आऊँगा, तो जॉन अब्राहम के लिए कौन सा बेस्ट फेस्टिव पीरियड होगा, किस पे आप कब्जा करना चाहेंगे? अब तो आपका एक पूरा नाम बन गया है जॉन अब्राहम। जी, पहले तो मैं किसी और एक्टर के साथ कम्पीट नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत क्लियर है, क्योंकि मैं खुद नए एक्टर्स को प्रमोट कर रहा हूँ, जैसे आयुष्मान को, और विद्युत मेरे साथ ही था पहली पिक्चर में, तो उनको आगे बढ़ते हुए देखते मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दैट्स वन थिंग। तो मैं किसी और एक्टर को नहीं देखता हूँ, मैं खुद को देखता हूँ कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट। नहीं, बट एक्टर्स तो अपनी फिल्म इस तरह से प्लान करते हैं, होल पर रखते हैं ताकि। वो अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा, होना चाहिए। चलो, दोस्ताना 2 हम लोग समर ब्लॉकबस्टर बना देंगे, अभी रिलीज इट इन समर्स, लेकिन कुछ डेट के बारे में हमने डिसाइड नहीं किया जी। लेट्स होप नेक्स्ट दिवाली या ईद पे कुछ आ जाए, अच्छा पता नहीं। एक्शन पर तो आपने पूरी तरह से कब्जा अपना जमा लिया है, लेकिन अब तक जैसे आपने कॉमेडी भी चल रही है, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं जो रोमांटिक जॉन अब्राहम है, ऑन स्क्रीन रोमांस जॉन अब्राहम को थोड़ा बहुत कम हो जाए, चाहे वो आई मी और मैं हो, चाहे वो झूठा ही सही हो। जी जी जी, दोनों एक्सपेरिमेंट्स मेरे फेल हो गए उस मामले में। तो रोमांस के ऊपर आई कैनॉट प्ले अ रोमांटिक, टिपिकल रोमांटिक हीरो, वो जो रोम कॉम है क्यूट, मेरे से नहीं होगा आज के तारीख में, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे हमारे अच्छे हीरोज़ हैं, स्वीट लुकिंग क्यूट लुकिंग हीरोज़, तो उनको करना चाहिए, वो अच्छा है उनके लिए, लड़की भी उनको बहुत पसंद करती है इन रोल्स में। पीपल लाइक मी एज जॉन अब्राहम फ्रॉम फोर्स,
जॉन एब्राहम फ्रॉम शूट आउट एट वडाला, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों को मेरी कॉमेडी भी पसंद आ रही है, क्योंकि देसी बॉयज़ में या हाउसफुल में या गरम मसाला में वो मेरा जो टाइमिंग है वो अच्छा होते जा रहा है. अभी खुदा की शुक्र से वेलकम बैक में और भी अच्छा होगा. मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने स्क्रिप्ट सुना है और हंस हंस के पब्लिक पागल हो जाएगी. सो आई एम वेरी हैप्पी टू डू जॉनर्स लाइक दैट. जी जॉन, आपने कहा कि आपका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन एक शख्स हैं जो आपके साथ अगर चलती हैं तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, इनफैक्ट वो आगे निकल जाती हैं. जैसे हमने कभी स्क्रीनिंग पर देखा आप और प्रिया साथ में थे, तो मीडिया जो है आपको छोड़कर प्रिया के कैप्चर करने चली गई, तो ये थोड़ा आपको लगता है फील गुड फैक्टर होता है कि नहीं? वो ऑनेस्टली कुणाल, चैनल्स लिखते बोलते जो आपका काम है वो ठीक है, लेकिन मैं बहुत ही प्राइवेट हूँ उस मामले में. गिन चुन के मैं थोड़े शब्द बोलता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलता. पहले तो वो भी नहीं बोलते थे. हाँ, बट आई ट्राई एंड कीप इट वेरी प्राइवेट, और क्योंकि मैं अपने प्राइवेट स्पेस को बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ. कुछ ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहता हूँ. जो हम लोग ट्रायल के लिए गए थे तो शी वॉज देयर टू सपोर्ट एंड शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी द फिल्म. उनको उन्हें उससे फिल्म बहुत अच्छा लगा. She enjoyed it, and that's most important. I don't know how you take it, but I consider this is a lady luck factor working for you, because since the time she has been with you, the films have been doing well, your career from has force, been... From force. So, yeah. Do you think that she's the lady luck factor working for you? Well, I think every actor has his time. She's definitely very lucky for me, but it's also hard work, and I directors ko bhi credit dena chahta hu. Agar sab रिलेशनशिप, लेकिन उसके अलावा यस, प्रिया बहुत ही सपोर्टिव है जी, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव है. थैंक यू जॉन, थैंक्स लॉट, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू. उम्मीद करते हैं कि वडाला के बाद अब ये बांद्रा, खंडाला और लोनावला और पता नहीं कहाँ कहाँ पर जितने भी शूट आउट हों सब में आप शूट आउट 3 जल्द बहुत से बहुत जल्द अनाउंस होगी जी, और हम जॉन एब्राहम एंटरटेनमेंट के थ्रू उसको देख सकते हैं. थैंक यू जॉन, थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर.